प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जब चाहिए होती तब एक भी नहीं रुकती। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे उस पे। पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन लिखवाएंगे ना, तब उस चीटर सत्यवान को पता चलेगा कि चीटिंग करने का परिणाम क्या होता है। साड़ियाँ तो हमने देख कर ली थी, फिर भी डिफेक्टिव कैसे निकली? आपकी साड़ियाँ भी डिफेक्टिव निकली? सेल वाले ने हम लोग को भी डिफेक्टिव साड़ी दी बाबा। और जब हम साड़ी बदलने के लिए गए ना, तो हमें जवाब ही नहीं दिया, और ऊपर से कहा कि बिल लाओ। अरे बिल तो उसने ही हमें नहीं दिया था। बोलो। हाँ, नहीं भैया, बिल तो हमें भी नहीं दिया। अब वो आपको साड़ी बदल के भी नहीं देगा। ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? और वो सिसोटी वाली औरत के हाथों में धक्का मार के बाहर निकलवा दिया। सिसोटी औरत? अरे सिक्योरिटी वाली लेडी। हाँ, और अब हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे कंप्लेंट लिखाने। आप भी चलिए हमारे साथ। पुलिस स्टेशन? ना बाबा ना, हमको ये सब केस वेस के झमेले में नहीं पड़ना है। अरे केस करना हमारा फर्ज है। अब फर्ज निभाने के लिए हमें कोई टेंशन नहीं चाहिए। सॉरी पापा, ये टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है करके जो अन्याय बर्दाश्त करते हैं ना लोग, उसी में इन चीटरों की हिम्मत बढ़ जाती है और हमारे साथ फ्रॉड करते हैं वो। ओ कम ऑन, छोड़ो इन लोगों को, हम लोग तो अपना फर्ज निभाते हैं। हाँ चलो, लेट्स मूव। एक मिनट, आप लोग बैठिए, पहले बैठिए। क्या हुआ क्या? बैठिए। एक मिनट, क्या हुआ क्या? इंस्पेक्टर साहब, हमें फरियाद लिखवानी है। हाँ सर, और उसके बाद हमारे साथ चलिए प्लीज। हाँ चलिए, हमारे साथ चलिए। हाँ, चला लौकर। क्या क्या हुआ क्या? अरे साहब, हमारे साथ छेतरपिंडी हुई है। छेतरपिंडी? मतलब हमारे साथ चीटिंग हुई है सर। फसावले? क्या चीटिंग क्या हुई? भाटियावाड़ी में साड़ियों का सेल लगा है, वहाँ से हम सब ने साड़ियाँ खरीदी। पर आधे से ऊपर साड़ियाँ डिफेक्टिव निकली। मैं बताती हूँ आपको। देखिए, ये साड़ी है ना, ये देखिए, ये है ना। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं? अरे इसको हटाइए, ये क्या सलूक हुआ? हटाइए। देखा आपने? ये देखो, ये चूहे ने काट लिया है। और यहाँ देखिए, ये ऐसा थोड़ी होता है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ऐसी साड़ियाँ दी है उन्होंने। हाँ, मैक्सिमम साड़ियाँ डिफेक्टिव है। तो आपको चेक करके खरीदनी चाहिए ना। इंस्पेक्टर साहब, हमने सारी साड़ियाँ चेक करके ही ली थी, पर घर जाकर देखा तब साड़ियाँ फटी हुई निकली। चालाक निकलो वो। तो वापस ले जाइए, बदल देंगे वो लोग। सर, हम वहीं से आ रहे हैं, पर हमारे पास बिल ना होने की वजह से वो लोग साड़ियाँ ही नहीं बदल रहे हैं। हो सर। अरे बहन जी, बिल की क्या जरूरत है? अगर आपको कोई तकलीफ हो तो यहाँ मेरे पास वापस आना, जबान की भी कोई कीमत होती है ना। असमला खोटाड़ा एक नंबर सा। और वापस गए तो हमारे साथ झगड़ा करके धक्का मार के हमें बाहर निकाल दिया। हाँ सर, धक्का मारा हमको। इंस्पेक्टर साहब, अब मानोगे नहीं, अगर हमारे अहमदाबाद में ऐसा हुआ होता ना, तो हमारी पोल की सारी बहनें उस सेल वाले को
साड़ी पहनो के ऐसा सबक सिखाती, ऐसा सबक सिखाती कि याद रखता हूँ। आप भी चलिए ना हमारे साथ जल्दी प्लीज। देखिए हम लोग इस समय नहीं आ सकते क्योंकि शिवाजी पार्क में रैली है और सारी पुलिस फोर्स वहाँ लगी हुई है ड्यूटी पर। वो लोग आ जाए उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। तो फिर वो लोग कब तक आएंगे? हाँ। वो तो नहीं बता सकते क्योंकि 2 घंटे भी लग सकते हैं, 5 घंटे भी लग सकते हैं। What? अरे देवा आता। पर सर आपको कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। अरे हाँ, आप लोग एक काम क्यों नहीं करते, आप लोग चले जाइए कंज्यूमर फोरम में, वो डिपार्टमेंट है ही इसी के लिए। वहाँ ग्राहकों को न्याय मिलता है और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। अरे हाँ, इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं, ग्राहक के साथ कभी भी कोई अन्याय हो तो कंज्यूमर फोरम उनकी मदद जरूर करता है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। चलिए, थैंक यू सो मच। Yes, may I help you? सर हमारे साथ चीटिंग हुई है इसलिए हमें कंप्लेन लिखवानी है। गुड, वेरी गुड। अरे गुड का इतिहास? हाँ, कुछ समझ में नहीं आया। What do you mean by good? अरे हमारे साथ चीटिंग हुई है उसमें गुड क्या? I don't know. नहीं ऐसे नहीं, आपके साथ अन्याय हुआ और आप कंप्लेन लिखवाने यहाँ चली आई, इसके लिए वेरी गुड। सरकार जागो ग्राहक जागो का नारा लगाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती है और ज्यादातर लोग कंपनी या फिर दुकानदार के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने की बजाय अपने नसीब को दोष देकर चुपचाप बैठ जाते हैं। कहिए क्या बात है? सर हम लोग को अच्छा एक मिनट, आप जरा शांति रखिए प्लीज। सॉरी सर। एक एक करके बताइए, बोलिए। हाँ, बात यह है सर कि भाटियावाड़ी में साड़ियों का सेल लगा है और हम सब वहाँ साड़ियाँ खरीदने गए थे, पर हुआ यूं है आप लोग। दिखने में तो आप पढ़ी लिखी लगती हैं, फिर भी आप बिल लिए बगैर चली आई। अरे हम लोग इतनी एड देते हैं जागो ग्राहक जागो, कुछ खरीदने के बाद बिल लेना जरूरी है, फिर भी आप लोग। अब आपके पास जब बिल नहीं है तो विदाउट प्रूफ में आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मतलब आप हमारी मदद नहीं करोगे? मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। कस्टमर होकर आप अपना फर्ज भूल सकती हैं, हम नहीं। चलिए एक काम करता हूं, मैं आप लोगों के साथ चलता हूं, कोशिश करके देखता हूं। फॉरम के ऑफिसर को लेके आए हैं। नमस्ते साहब। लेकिन आप लोग को मैंने पहचाना नहीं आपको। माय गॉड, ये आप हमें पहचानते भी नहीं है? पहली बार देख रहा हूँ तो पहचानूंगा कैसे? हमें पहचानते नहीं हो? ये भाई, ये जो कटोरा है ना, वो
उसमें चॉकलेट के बदले बादाम रखो और पूरा दिन खाया करो, तब यादना सच्ची हो जाएगी। हा? आ, आ, आ। क्या बोल रहे हैं आप, कुछ पता नहीं चल रहा है। आइए देखिए ना, बहुत सारी साड़ियाँ हैं, सेल है यहाँ पे, देखिए देखिए। सेल नहीं, अब आप जेल जाओगे, जेल। हाँ। एक मिनट, देखिए भाई साहब, इन मैडमों ने कंप्लेन की है आपके खिलाफ। आपके यहाँ से इन्होंने जो साड़ियाँ खरीदी है उनमें से कई साड़ी डिफेक्टिव है। अच्छा लाइए, मैं आपको साड़ी बदल के देता हूँ, जरा बिल लाइए। अरे आपने बिल कहाँ दिया था? कमाल है, मैंने आपको बिल नहीं दिया। अरे बिल के बगैर तो मैं माल नहीं बेचता। देखिए साहब, ये रही बिल बुक। ये तो डबल टोल किया। साहब मुझे लगता है ये औरतों की पूरी गैंग है। हाँ? मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है, लूटना चाहती है। हाँ। अरे बाप रे। मुझे लगता है ये औरतों की पूरी गैंग है। हाँ? मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है, लूटना चाहती है। हाँ। अरे बाप रे। आप हमें पैसे लूटने वाले ब्लैकमेलर समझते हैं? जी। नाम है सत्यवान और इतना झूठ बोलते हो, अगले जन्म में कौवा बनोगे, कौवा। हाँ। क्या सर, आप इमीडिएटली इन पर एक्शन लीजिए। हाँ। और मेरे 9,500 वापस कीजिए। आप लोग यहाँ आए ही नहीं है। अरे आए थे हम लोग। साहब मुझे तो लगता है हमारे कॉम्पिटिटर की चाल है। वाह भाई वाह, अभी थोड़ी देर पहले आपने हमें पैसे लूटने वाले गैंग बताया था, राइट? और अब आपके कॉम्पिटिटर की चाल। वाह क्या बात है। मैडम 100 बात की एक बात, बिल है तो बात कीजिए, तो जाइए यहाँ से। बिल बिल बिल, आपने बिल दिया है हमें तो फिर सर आप एक काम कीजिए, ये हमारी साड़ियाँ देखिए और यहाँ पे आपको सेम साड़ियाँ मिलेंगी, आप चेक कीजिए प्लीज। अरे मुंबई में साड़ियों की हजारों दुकान है, एक जैसी साड़ियाँ हर दुकान में मिलेगी, समझे? इतना झूठ मत बोलो, मत बोलो इतना झूठ। सर प्लीज अरेस्ट हिम राइट नाउ। अरेस्ट कीजिए सर। ए, मुझे गिरफ्तार करने की बात मत करना, मेरी दुकान में आके मेरी बेइज्जती करती हो, मैं मानहानि का दावा करूंगा आप पे। अरे वाह, उल्टा चोर कोटवाल को डांटे। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है, झूठा है ये इंसान। एक मिनट, देखिए आप सभी कहते हैं कि ये झूठे और ये कहते हैं कि आप सभी झूठी हैं। अगर आप सच्चे भी हैं ना, तो हमें कानून में रहकर सबूत के साथ काम करना पड़ेगा, समझी? आप इस वक्त चलिए मेरे साथ। मैडम बाहर चलिए, शांति रखिए और चलिए यहाँ से। चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो। क्या बात, आप लोग शांति कुछ देखो, आप शांति रखे, पहले बाहर आइए, बाहर आइए। मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप मेरी बात तो सुनेंगे कि नहीं, ठीक है आप लोगों की बात, लेकिन एक मिनट मुझे बोलने, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। देखिए आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है बिल न लेकर। जब भी आप कोई भी चीज खरीदती है उसका पक्का बिल लेना बहुत जरूरी होता है, ये सेल वाले बड़े चालाक होते हैं। अगर आप लोगों के पास बिल होता तो मैं जरूर आप लोगों की कुछ मदद कर सकता था, बट इन दिस केस मुझे मेरे सीनियर से बात करनी पड़ेगी, मैं चलता हूँ। ओह नो,
हम लोग तो बुरी तरह से फंस गए, हमारे पैसे गए समझो। नहीं नहीं कोमल बॉबी, हमारे पैसे कोई हजम नहीं कर सकता। हमारे साथ हुए अन्याय के विरुद्ध न्याय पाने के लिए हमें अहमदाबादी आइडिया ही आजमाना पड़ेगा। दया भाभी, जो भी आइडिया हो प्लीज जल्दी बता दीजिए, प्लीज जल्दी बोलिए। हाँ, अरे ये आइडिया हमारे खानदान ने भी आजमाया है और मैं 100% विश्वास के साथ कहती हूँ कि जीत हमारी ही होगी। अच्छा, हाँ दया भाभी आइडिया क्या है वो तो बताइए। हाँ हाँ, जब मेरी माँ मेरी उम्र की थी और सुंदर वीरा टप्पू की उम्र का था तब वो टप्पू के जितना ही होशियार था और उसी लिए मेरी माँ ने स्कूल में उस सर का ट्यूशन नहीं रखा था और उसी वजह से सर ने सुंदर को एग्जाम में फेल कर दिया। तो मेरी माँ ने कहा कि देखिए मेरा बेटा होशियार है, आप सुंदर को फेल नहीं कर सकते, आपको सुंदर को पास करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी बदनसीबी देखो, वो स्कूल का प्रिंसिपल सर के जीजा जी निकले और उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी और फिर मेरी माँ ने एक अहमदाबादी आइडिया अजमाया तो वो लोगों को सच के सामने झुकना ही पड़ा और सुंदर को पास करना ही पड़ा। वाह खुदाए दया बेन, पन वो आइडिया क्या है वो तो बोलो। नहीं बाबा, बताती हूँ। हाँ देखियो, बढ़िया दया भाभी, ग्रेट आइडिया। अच्छा आइडिया है दया भाभी। रुपया हेलो गडा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटुका का यार। हाँ नटुका का, मैं दया बोल रही हूँ। बोलिए सेठानी जी, क्या हुक्म है? नटुका का, आप जल्दी से भाटियावाड़ी हॉल के पास आ जाइए और देखिए टप्पू के पापा को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। क्यों, क्या हुआ सेठानी जी? ठीक है सेठानी जी, मैं अभी पहुँचता हूँ। अब देखो मैं किसको फाट करती हूँ। अरे डैडी जल्दी से आ जा। दया भाभी ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। यस, नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद। एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लीजिए। अच्छा अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अगर टेढ़ी उंगली से भी न निकले तो भाई हाथ डाल के घी निकाल लीजिए। अच्छा हाथ डालने से भी घी न निकले तो क्या करें, डिब्बे को उलट दीजिए। अच्छा डिब्बे उलटने से भी घी न निकले तो भाई उसे आग पर रख दीजिए, पिघल के तो निकल ही जाएगा। देखिए हमें इस कहावत को आगे बढ़ाने का कोई मूड नहीं है, बस बात सिर्फ इतनी सी है कि समस्याएं अगर एक तरीके से नहीं सुलझती तो दूसरे तरीके से सुलझ जाती हैं। ये जिंदगी की एक फिलॉसफी हो सकती है, जिस तरह से सूरज का उगना तय है वैसे ही समस्याओं को सुलझना भी तय है। बस आप में मादा होना चाहिए समस्याओं से लड़ने का और उसे सुलझाने का, और यही मादा दया भाभी में है क्योंकि एक समस्या उनके सामने खड़ी हुई, ये सेल वाले जो सत्यवान है उनके धोखेबाजी की और उन्होंने इससे लड़ने का फैसला कर लिया अपने अहमदाबादी आइडिया से। अब अहमदाबादी आइडिया क्या है ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, लेकिन आप इतना जरूर जानते हैं और मैं भी कि भाई दया भाभी जो शांत भी रहती है तो आसपास का माहौल शांत नहीं रहता। जब उनके दिमाग में कोई आइडिया आया है तो क्या होने वाला है, और जब वो एक क्रांतिकारी रूप धारण कर चुकी है इस आइडिया को लगा के इस सत्यवान से लड़ने के लिए, तो सोचिए तो क्या होने वाला है। भाई बहुत सारे हंगामे होंगे, मुझे तो लगता है दया भाभी का आइडिया बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह है, इसके सामने जो भी आएगा उड़ जाएगा। अब देखते हैं सत्यवान का क्या हाल होता है जब इस आइडिया के सामने आता है, वो तो परखच्चे होने वाला है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि आप बेहद उत्सुक हैं जानने के लिए कि भाई आइडिया है क्या।
मुझसे पूछ रहे हैं। अरे मैं खुद भी उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि आइडिया है क्या। आप और हम मिल के देखेंगे कि ये आइडिया कौन सा है, कैसा है, और इस आइडिया के सामने जब सत्यवान जी आते हैं तो उनका क्या हश्र होता है। तब तक सोचते रहिए कि अहमदाबादी आइडिया होगा क्या, और जब होगा तो हो गए हंगामे, धमाके और आपके ठहाके। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.